यस बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल्स. तो दैट मीन्स दो सिग्नल्स विच आर फाइनाइट एम्पलीट्यूड एंड फाइनाइट ड्यूरेशन और ऑल आर ऑलवेज एनर्जी सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल. ओके, फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल. तो दिस इज फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल. ओके, एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड. तो हाउ यू विल फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल? इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन टू प्लस ऑफ वन. वन एम्पलीट्यूड इज और वन स्क्वायर डी टी, दैट इज वन माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज टू जूल. सो एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज टू जूल. क्वेश्चन हमारा क्या था? इज अ सिग्नल एफ ऑफ टी वन प्लस थ्री कॉस फोर पाई बाई फाइव प्लस पाई बाई थ्री टू साइन सिक्स पाई बाई सेवन प्लस पाई बाई फोर इज एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दो सिग्नल्स विच आर पीरियोडिक, कॉस सिग्नल इज पीरियोडिक एंड साइन सिग्नल बोथ आर पीरियोडिक. तो पीरियोडिक सिग्नल्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पावर सिग्नल्स होते हैं. साइनोसॉइडल, कोसाइनोसॉइडल जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे क्या हैं? हमारे पावर सिग्नल्स हैं. तो पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, पी इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट वन अपॉन टी, दैट मीन्स टोटल टाइम, टोटल टाइम माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू. हम सिर्फ एक इसका एक टाइम पीरियड लेंगे, माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू. ओके, एफ स्क्वायर टी डी टी. एफ स्क्वायर टी हम लोग एनर्जी निकालते तब भी हम लोग एफ स्क्वायर टी यूज़ करते हैं. तो वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू एफ स्क्वायर टू टी डी टी. तो पावर हम निकालने के लिए यूज़ करेंगे दैट इज मीन स्क्वायर वैल्यू. सो पावर ऑफ द सिग्नल कैन बी फाइंड आउट, पी इक्वल्स टू वन स्क्वायर, एम्पलीट्यूड क्या है वन स्क्वायर, प्लस टू स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री स्क्वायर बाई टू, दैट मीन्स वन प्लस फोर बाई टू प्लस नाइन बाई टू. तो कितना हो गया? वन यहाँ पे टू प्लस फोर पॉइंट फाइव, दैट मीन्स फोर फाइव सिक्स सेवन पॉइंट फाइव वॉट्स. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारी पावर है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? सिर्फ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी, ना कि किसी आर्ग्यूमेंट पे. आर्ग्यूमेंट पे कभी पावर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड किस पे करेगी? सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे. वन स्क्वायर किया हम लोगों ने, दैट मीन हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है? मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली है किस सिग्नल की. तो मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और डिवाइड, दिस इज डीसी वैल्यू. वन क्या है? डीसी वैल्यू, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ी थी. बट टू क्या है? टू हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल के साथ में टू अटैच, तो हम इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? टू स्क्वायर बाय टू और थ्री स्क्वायर बाय टू, दैट मीन्स वन प्लस फोर बाई टू प्लस नाइन बाई टू, वन प्लस टू प्लस फोर पॉइंट, तो सेवन पॉइंट फाइव वॉट्स. ये इसकी क्या निकल गई? पावर. तो जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं जिसका ड्यूरेशन इनफाइनाइट है और या फिर जिसका एम्पलीट्यूड भी इनफाइनाइट है, वो सारे क्या होते हैं? हमारे पावर सिग्नल्स होते हैं. एंड दो सिग्नल्स विच आर फाइनाइट एम्पलीट्यूड, मतलब इसका जैसे दैट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड कितना है? फाइनाइट है. और इस टी टेंस टू इनफाइनाइट पे इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स ये कौन सा सिग्नल है हमारा? एनर्जी सिग्नल. एनर्जी सिग्नल सेम एज इट इज, माइनस वन टू प्लस वन विद एम्पलीट्यूड वन, दिस इज ऑल्सो ए एनर्जी सिग्नल. तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स को हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे एग्जाम बताएंगे वेदर द सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल्स. तो इसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये सिग्नल विच हैव फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट इज ऑलवेज एनर्जी सिग्नल. दो सिग्नल्स विच आर पीरियडिक इन नेचर, दो सिग्नल्स विच आर पीरियडिक इन नेचर, दैट मीन्स कोई भी हमारा साइनोसोइडल सिग्नल होगा या कोसाइन सिग्नल होगा, वो सारे क्या होते हैं? पावर सिग्नल. दिस इज योर पावर सिग्नल, पावर सिग्नल, बिकॉज द ड्यूरेशन इज इनफाइनाइट. ओके, ड्यूरेशन इज इनफाइनाइट. तो ये सारे के सारे कौन से होंगे? दिस इज योर पावर सिग्नल और दिस इज योर पीरियडिक सिग्नल. ऑल पीरियडिक सिग्नल आर नॉन एज, विल बी कॉल्ड एज पीरियडिक सिग्नल. अब e की पावर g ऑफ ओमेगा नॉट टी, दिस इज ऑल्सो पीरियडिक सिग्नल. तो पीरियडिक सिग्नल कौन सा होगा हमारा? दिस इज ऑल्सो ए पावर सिग्नल. और पावर सिग्नल निकालने के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? पी इक्वल्स टू वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एफ स्क्वायर टी इन टू डी टी. इसमें एक लिमिट यूज़ करेंगे हम लोग, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट. ओके,
ये दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पावर ऑफ एनी सिग्नल. सेम एज इट इज हम लोग एनर्जी निकालने के लिए कैसे कोई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. एनर्जी ऑफ ए सिग्नल कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. जो भी टाइम एक्सेस पे लिमिट होगी वो लेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. एफ स्क्वायर टी डी टी. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ए सिग्नल. ऑल बैंड लिमिटेड सिग्नल. बैंड लिमिटेड का मतलब क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास कुछ फिक्स फाइनेट हो तो वो कौन सा सिग्नल होंगे, ऑलवेज एनर्जी सिग्नल. तो एनर्जी का हमारे पास क्या होगा, एनर्जी इज फाइनाइट. दैट मीन्स एनर्जी इज फाइनाइट. एवरेज पावर इज, बिकॉज पावर इज ऑलवेज एवरेज, एवरेज पावर इज जीरो फॉर एनर्जी सिग्नल्स. पावर सिग्नल्स के लिए क्या होता, एनर्जी क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट. एनर्जी इज इनफाइनाइट, पावर इज फाइनाइट. दिस इज फॉर पावर सिग्नल. सो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम लोग एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स को कैसे पता करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर कौन से सिग्नल्स हमारे पास एनर्जी सिग्नल है और कौन से सिग्नल्स हमारे पास पावर सिग्नल्स है. ओके हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टू क्वेश्चन मोर इन यूनिट नंबर वन. थैंक्स स्टूडेंट्स. ओके.